पीडब्ल्यूसी की जब बैठक हुई थी, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हुई थी, तो इस बैठक में चर्चाएं हुई थी कि आखिरकार कांग्रेस को क्यों करारी हार का सामना पूरे देश भर में करना पड़ा। लेकिन इसी बीच एक मंत्री ऐसे रहे जिन्होंने पूरे तरीके से ही कांग्रेस की जीत का जो है डंका बजाया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास अपडेट में। ये मंत्री कोई और नहीं बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। दरअसल इन्होंने पंजाब में शानदार जीत का परचम लहराया है जिस तरीके से, तो वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जहां तमाम नेता बात कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, क्या क्या कमियां रह गईं, तो वहीं इन कमियों से हटकर, हार से हटकर जीत पर बात की है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जिसकी सभी ने काफी वाहवाही भी की। इसी बीच आपको पूरी रिपोर्ट से अवगत कराना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ बातें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की नई दिल्ली में हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चर्चा का विषय बने थे। दरअसल CWC के सभी सदस्यों और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी ने पंजाब में कांग्रेस की शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई दी। कांग्रेस ने पंजाब में 13 में से 8 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। CWC की बैठक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के देश भर में खराब प्रदर्शन की समीक्षा करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। करीब करीब 3 घंटे तक चली बैठक में पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने शिरकत की थी और तो और अपने अपने राज्यों में उम्मीदवारों के लिए पार्टी के प्रयासों और उनकी हार के कारणों का जिक्र भी किया। खास बात तो ये रही कि इस बैठक में अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह ही ऐसे नेता नजर आए थे जो कि पार्टी आलाकमान के सामने अपने राज्य में शानदार जीत का ब्यौरा रख रहे थे। इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार इस बैठक में तमाम सदस्यों ने जब हार के कारणों का उल्लेख किया तब कैप्टन ने जीत के अपने कदमों को सदस्यों के सामने रखा। दरअसल आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि पंजाब में ही मोदी लहर का असर नहीं हो सका, जबकि अन्य सभी कांग्रेस शासित राज्यों में पार्टी को मोदी लहर का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, सूत्रों के अनुसार बैठक में कैप्टन ने पार्टी की अगली रणनीति को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं की, अगली रणनीति को लेकर भी चर्चा में हिस्सा लिया। हालांकि इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। इस बीच ये भी पता चला कि बैठक में मौजूदा कई सारे सदस्यों ने हार के लिए एक दूसरे पर निशाना साधा और खुद की असफलता को छिपाने की भी लगातार कोशिशें करते हुए नजर आए। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काफी ज्यादा बधाई दी है कांग्रेस को अपनी जीत पर, तो वहीं इनके अलावा तमाम नेता हार का ठीकरा रोते रहे। खैर, इसी बीच राजस्थान जहां कांग्रेस ने 5 महीने पहले ही सरकार बनाई थी, वहां लोकसभा की एक सीट भी पार्टी हासिल नहीं कर सकी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कारगुजारी पर सवाल उठाए गए। गहलोत या कैप्टन अमरिंदर को कमान सौंपने की चर्चाएं भी हुई। आपको हम बताना चाहेंगे कि नई दिल्ली में जैसे ही CWC की बैठक शुरू हुई थी तो मीडिया में ये खबरें भी चलने लगी कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार की जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। इसके साथ ही ये भी चर्चाएं शुरू हो गई कि राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपने पर बैठक में विचार किया गया था। हालांकि इस बात की पुष्टि पंजाब कांग्रेस की ओर से नहीं की गई। जी हां, राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपने पर बैठक में विचार विमर्श। CWC की बैठक में हार को छोड़कर जीत पर जहां अमरिंदर सिंह ने बात की, तो वहीं तमाम नेताओं को उन्होंने ये बात बताई कि किस तरीके से
काफी ज्यादा ही महत्व रखती है हर एक वो सीट जिस पर नेता उतरते हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कैसे पूरे अच्छे तरीके से हर चीज की देखभाल करनी होती है। खैर आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल SBN9 न्यूज के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।